अच्छा, गरीब अगर 25 करोड़ मोदी सरकार ने हटा दिए तो जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है इसमें मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला शामिल है। कौन से ये, अगर जो 5 किलो राशन ले रहे हैं वो गरीबी तो है। सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन देने का काम करते हैं। ये मंदिर बन गया अयोध्या में, लाखों लोग डेली जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अपना घर तोड़वा दो, उसके भी मंदिर बनवा दो। आपको घर में रहने की जरूरत क्या है? मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है सबसे ज्यादा हत्या हिंदुओं की होती है, क्योंकि अगर हिंदुओं की हत्या नहीं होगी तो मुसलमानों को लेकर मन में नफरत कैसे पैदा होगी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आप मुझे एक बात बताइए, हेमंत विश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये सब घोटालेबाज हैं, लेकिन आज इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो ये सब लोग सारे घोटाले से मुक्त हो गए। कर लिया गया, वो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो जेल में चले गए, उनके मंत्री भी जेल में। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, आज ना देश के लोगों के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जेल के अंदर डाल देगी। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है, जिस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का है और वो पार्टी 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद रही है और एक पार्टी फंड में चंदा दे रही है, तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वो पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन में तो हो नहीं रहा, न हेल्थ में हो रहा, न डेवलपमेंट में हो रहा। उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेताओं की खरीद और फरोख में हो रहा है। जिस तरीके से तमाम राज्य में रातों रात सरकार गिरा दी जाती है और आप देख रहे हैं कि सरकार गिरा के विधायक खरीद लिए जाते हैं, तो जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल विधायकों की खरीद और फरोख में लगाया जा रहा है। जिस तरीके से आज भारत देश के अंदर संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, और जिस तरीके से आज लोगों के बोलने के ऊपर बैन लगा दिया जा रहा है। एक और इस देश के अंदर राइट टू स्पीच की आजादी है, राइट टू फ्रीडम की आजादी है, लेकिन वो आजादी जिस तरीके से लोगों से छीनी जा रही है, ये सरासर लोकतंत्र का हनन है, देश के संविधान की हत्या है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया वो सबने देखा। आप मुझे एक बात बताइए, हेमंत विश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये सब घोटालेबाज हैं, लेकिन आज इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो ये सब लोग सारे घोटाले से मुक्त हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि या तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। साल 2014 से पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होती है सीबीआई, क्या है ईडी, क्या है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, किसी को नहीं पता था। लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोई नेता नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहा है तो उसके घर पे कभी भी रेड हो सकती है, किसी भी समय वो जेल के अंदर बंद हो सकता है। तो ये सरासर देश के लोकतंत्र की हत्या है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो एक गवर्नमेंट जॉब से अपना इस्तीफा देकर आता है सिर्फ इस देश की भलाई करने के लिए, उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है। आज इस देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम कर रहा था, और उस मुद्दे को जो लगातार उजागर कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल को उठाकर जेल के अंदर डाला गया। आज इस देश की स्थिति ये है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इस देश में चुनाव हो भी पाएंगे। लोगों के बोलने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, एक वोटिंग मशीन जिससे होती है उसको बोलने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों के चैनल डिमोनेटाइज हो जाते हैं, आप उसको ये कह देते हैं कि ये झूठी खबर है। एक छोटा सा चुनाव, एक छोटा सा मेयर का चुनाव आप जीत नहीं पाते, उसमें तो आप धांधलीबाजी करते हो, उसके बाद में आप बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते। अगर कोई उनके खिलाफ बोल दे तो चैनल को डिमोनेटाइज कर देते हैं। इस देश के अंदर पत्रकार का काम होता है निष्पक्षता को दिखाना, और हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में नहीं रहते जहां तानाशाही चलती है। यहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक और अधिकार है, और अगर हमें किसी चीज में संदेह है तो हम उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, वो सवाल उठाना हमारा फंडामेंटल राइट है। अब वो सही है या गलत है, इस सवाल का जवाब तो तब मिलेगा जब उसकी जांच होगी। जब किसी चीज की जांच ही नहीं होती, इस देश के अंदर जांच किसी चीज की नहीं होती। बेटी के साथ बलात्कार हो जाए तो बलात्कार के ऊपर सख्त कानून नहीं बनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन विदेश तो जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, तमाम कंट्रियां जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वहां के लॉ को नहीं देखकर आते कि किस तरीके से बेटी के साथ बलात्कार करने पर वहां पर फांसी दे दी जाती है, या फिर जो है लोगों को बीच चौराहे पर मारा जाता है। सिर्फ ये चीजें नहीं सीख के आते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है मोदी जी गारंटी चल रही है मोदी जी की देश में। अगर मोदी जी की गारंटी देश में चल रही होती तो आप 15 लाख रुपए के मालिक होते, इस देश में 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिल गया होता, आज देश के नौजवान परेशान नहीं होते।
जो सरकार एक छोटा सा पेपर नहीं संभाल सकती, आप उससे क्या उम्मीद लगाओगे कि वो देश को संभालेगी? जिस सरकार के राज में पेपर लीक होते हैं, हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। मोदी जी का एक वादा सच्चा नहीं, अगर एक वादा भी सच्चा है प्रधानमंत्री का तो आप मुझे बताइए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होगा जो झूठ बोलने का काम करता है। आप सोचिए, मन से खड़े होकर, सर मंदिर बन गया अयोध्या में, लाखों लोग डेली जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अपना घर तोड़वा दो, उस पर भी मंदिर बनवा दो। आपको घर में रहने की जरूरत क्या है? मंदिर से रोजगार मिलेगा या मंदिर से लोगों का पेट भरेगा, ये बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात, मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ कि मंदिर की दान पेटी में पैसा बिल्कुल ना चढ़ाएं, क्योंकि ये पैसा जो है मीट की दुकान पर भी जाता है, तमाम जगह पर जाता है, और आप तो कहते हैं कि मीट से दिक्कत है, तो आप उस पैसे को क्यों चढ़ा रहे हैं? और दूसरी बात, भगवान को पैसे की क्या जरूरत? पैसे की जरूरत है क्या? पैसे की जरूरत जिन लोगों को है, उन लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है, पैसे की जरूरत नहीं है। और बात आप करें कि मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की, गुरुद्वारे की, आप जितने मर्जी बना लो, देश का विकास थोड़ी होता है। 22 जनवरी को दिवाली मनी है देश में सर, दिवाली बनी है, लोगों का दिवाला निकला पड़ा है, उसको आप क्या कहेंगे? लोगों का दिवाला निकला पड़ा है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ जाए लोग उसको झूठा ठहरा देते हैं, सीएजी की रिपोर्ट आ जाए लोग उसको झूठा ठहरा देते हैं। जिस तरीके से आज देश की जो ना, ये देश अगर साल 2027 तक आर्थिक दिवालिया घोषित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से देश की स्थिति है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आज अगर देश का कर्जा बढ़ रहा है, कौन लोग अमीर हो रहे हैं आप मुझे ये बताइए? ये जो अंबानी अडानी है जो करोड़ों रुपए में शादी कर रहे हैं, ये पैसा कहां से लेके आए हैं? ये नरेंद्र मोदी ने इनको चाय बेच के ला कर दिया पैसा? ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है, जिस जनता से रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, टोल टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, इनकम टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, हाउस टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, हर जगह इस देश की जनता का शोषण होता है और किसी का नहीं। 9 साल में 25 करोड़ लोगों को, गरीब जो थे उनको अमीरी की रेखा में ला दिया है, गरीब हटा दिए 25 करोड़ मोदी सरकार ने। अच्छा, गरीब अगर 25 करोड़ मोदी सरकार ने हटा दिए तो जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इसमें मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला शामिल है, ये बताइए ना आप मुझे कौन से? ये अगर जो 5 किलो राशन ले रहे हैं वो गरीबी तो है। और ये मैंने नहीं कहा, सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन देने का काम करते हैं, और सरकार ये कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा आई तो हम राशन कंटिन्यू देते रहेंगे। ये इस देश के अंदर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये उनको अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जिंदगी भर हमारा भीख वाला अनाज खाते रहिए, ना आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ना लिखाइए। एक बात आप मुझे बताइए, अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर 50,000 रुपए की नौकरी करेगा तो क्या वो राशन नहीं खरीद सकता 5 किलो? खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, 5 किलो राशन भी खरीद सकता है, बिजली का बिल भी चुका सकता है, पानी का बिल भी चुका सकता है। लेकिन ये लोग, लोगों को 5 किलो राशन देकर ना तो उनके बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, ना उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। आज देश का नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। नौजवान अगर अपनी आवाज उठाए तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, आज नौजवान अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। अरे सर, मोदी सरकार ने बड़े काम करे, 35 हटाया, 370 हटाया, सीए लिया है, वो मंदिर बन गया है, और जो हिंदू मजबूत हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, पूरा देश जय श्री राम में डूब गया है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं डूब जाते? आप भी तो डूबिए। ये दिखाते हैं कि भैया पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ के हिंदुओं को तो काजू बादाम और पिस्ते की रोटी दे रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं, यहाँ तो आपको काजू बादाम पिस्ते की रोटी मिल रही होगी। और आप एक बात मुझे बताइए, किसको खतरा है और कैसे खतरा है? इस देश के अंदर किसी को किसी से खतरा नहीं है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट दे रखे, सबको एक समान हक और अधिकार है। और खतरा महसूस होता है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है सबसे ज्यादा हत्या हिंदुओं की होती है, क्योंकि अगर हिंदुओं की हत्या नहीं होगी तो मुसलमानों को लेकर मन में नफरत कैसे पैदा होगी? तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश के लोगों को बलि का बकरा बनाने का 400 बार इस बार तीसरी बार मोदी सरकार देखिए 400 पार तो बिल्कुल आ सकती है, और कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। 400 पार आने का जरिया सबको पता है, लेकिन अगर उसका नाम ले दो तो भैया लोगों के चैनल डिमोनेटाइज हो जाते हैं, तो आप ही लोग हैं जिनकी बदौलत हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती है। तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूरे देश को पता है कि डब्बा किस तरीके से गुल होने का काम होता है। डब्बा कभी कहीं पाया जाता है, कभी कहीं पाया जाता है, तो डब्बे के अंदर ही जो है सरकार है पूरी पैक। अगर डब्बा हटा दिया जाए तो अपने आप सरकार का डब्बा गोल हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन करप्ट लोग तो जेल पहुंचा दिए, जैसे केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, इन पर आरोप लग रहे हैं करप्शन के। हेमंत विश्वा शर्मा तो बहुत दूध का धुला था, जिसको मुख्यमंत्री बना दिया, मुकुल रॉय बहुत दूध का धुला था, अजीत पवार बहुत दूध का धुला था, है ना, शुभेंदु अधिकारी बहुत दूध का धुला था, ये सब लोग तो राजा हरिचंद की छठी औलादे हैं ना, है ना, बाकी ये सब लोग करप्टेड है। सबसे ज्यादा अगर करप्टेड कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी सरकार के राज में शराब, आपने बिहार के अंदर इतनी तेजी से जोमेटो और स्विगी से खाना नहीं आता जितनी तेजी से बिहार में शराब आती है, जगह जगह शराब आ जाती है, और सबसे ज्यादा करप्टेड लोग भारतीय जनता पार्टी में। ये लोग इस देश के लोगों का और इस देश की जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर लोग समय रहते नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश वापस से गुलाम हो जाएगा। कांग्रेस का पैसा जो है फ्रीज कर दिया गया, कैसे सुना लड़ेगी कांग्रेस?
देखिए मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा कोटा भरा पड़ा है, इनके पास तो बेहिसाब पैसा है, और ये पैसा किसी और का नहीं, ये पैसा इस देश की जनता का है। करोड़ों रुपया कंपनियों से चंदा लिया गया, विदेशी कंपनियों से चंदा लिया गया, पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लिया गया, और उन चंदे का इस्तेमाल अपने चुनाव में किया गया, और बाकी की पार्टी के अकाउंटों को जो है सीज करने का काम करते हैं, क्योंकि इनका तो एक ही एजेंडा है कि नेताओं की खरीद फरोख्त। अगर सरकार नहीं बनी, 2-4-5 एमपी कम पड़ गए, तो क्या करेंगे, खरीद के बना लेंगे। पैसे की कमी थोड़ी है, पैसा कोई नरेंद्र मोदी चाय बेचकर तो ला नहीं रहे हैं, पैसा आपका और हमारा खून चूस कर ला रहे हैं। तो ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान ने लोगों को अगर पढ़ने का हक और अधिकार दिया है, तो अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे से दूर रखें, अपने बच्चों को भी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजें, अपने बच्चों को भी शिक्षा का और कलम का ज्ञान दें। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि देश के अंदर ऐसे कितने नेता हैं जिनके बच्चे आरएसएस में जाते हों, बजरंग दल में जाते हों, विश्व हिंदू परिषद में जाते हों, या फिर वो आर्मी के अंदर सुरक्षा भी कर रहे हों। अगर इस देश के अंदर पाकिस्तान से देश को खतरा है, तो उसका एक समाधान है, आप कुछ मत करिए, इस देश के नेताओं के बच्चों को बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए। जिस दिन नेताओं के बच्चे बॉर्डर पर खड़े होने लग गए, उस दिन देश का एक भी जवान शहीद नहीं होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने नेता हैं जिनके बच्चे आरएसएस और बजरंग दल में जाते हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 400 पार आते हैं संविधान हट जाएगा, बीजेपी का नेता कह चुके हैं इस बार जी। संविधान इनके क्या बाप की बकौती है जो हटा देंगे? क्या समझते हैं आपको, संविधान चाय पानी का ग्लास है जो हटा देंगे आप? इस देश, ये देश चलता है संविधान से, जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है, तो इस देश की आत्मा है संविधान, तो संविधान को हटाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस देश के अंदर मोदी जी से ज्यादा चाहने वाले संविधान के ज्यादा चाहने वाले, याद रखिएगा, मोदी जी को इतना नहीं चाहते जितना संविधान को चाहते हैं, और संविधान की बदौलत ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये याद रखिएगा, मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।